दोस्तों फिर हम बात करेंगे केडीए कॉइन, केडेना कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। केडीए कॉइन 1.25 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से एक अच्छी अपोस्टी ये कॉइन दे रहा है। जो लोग इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, जो लोग इस कॉइन को बाय करना चाहते हैं, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर करंटली कॉइन ट्रेड कर रहा है और आपके लिए अच्छा लेवल है जहाँ पर आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, एज ए ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। करेंटली 1.25 पर ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन है और आज के लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो 1.247 देखने को मिली है। डेली का चार्ट ओपन करते हैं, सपोर्ट एरिया की बात करते हैं, जो प्रीवियस बॉटम पे जाते हैं, पहले जो प्रीवियस इसने बॉटम बनाया था 1.33 वाला बॉटम बनाया था और उसके बाद फिर कुछ टाइम स्टेबल रहा, फिर 1.4 वाला बॉटम बनाया और फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी और 100% से ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला था। 2.45 वाला एरिया इसने ट्राई किया और फिर वहां से फिर लगातार इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो लोअर लोज बनाते हुए इसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये एक बेरिश प्लेट पैटर्न है। लेकिन एक एरिया रहता है जहाँ पर एक डिमांड रहती है कॉइन के अंदर, जो बायर्स हैं वो उस लेवल पर बाइंग के लिए बैठे रहते हैं। जैसे अगर BTC की बात करें तो 17, 18, 19 वाला जो जोन है वो एक अच्छा लेवल है जहाँ पर वहाँ पर बायर्स हैं, वहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर भी आपको इस कॉइन के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। 1.2 वाला लो बनाया, 1.2 USDT इसको सपोर्ट एरिया है, अगर इससे ऊपर ये मेंटेन रहता है तो ये सपोर्ट एरिया के लिए अच्छा लेवल रहेगा। यहाँ से अगर देखें तो 1.2 वाले लेवल के बाद 1.39 यानी 1.4 तक चला गया था। प्रीवियसली इसको 1.4 USDT सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक करके नीचे डेली क्लोजिंग की, अब 1.4 USDT वाले इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही रिकवरी करेगा 1.4 से इसको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसमें जो क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो रेगुलर बेसिस पर एक दो दिन गैप में 10-15% का प्रॉफिट स्पॉट के अंदर ले सकते हैं। फ्यूचर्स की मैं बात नहीं करता हूँ, फ्यूचर्स के लिए ये चैनल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम का थोड़ा इफेक्ट है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो एंट्री की बात कर लेते हैं, 1.25 वाला एरिया एक अच्छा एरिया है, सेफ एरिया है और यहाँ से ये कॉइन आपको, अगर आप क्विक प्रॉफिट लेना चाहते हैं 2-4 दिन का, तो आपको 10-15% का प्रॉफिट दे देगा और शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 25-30% का टारगेट रख सकते हैं। एंट्री की बात कर लेते हैं, करेंट प्राइस 1.25 वाले एरिया पर आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आपको 80% पार्ट से लेनी है, 20% पार्ट आपको बचाना है। अगर बाय चांस कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो सेकंड एंट्री आपको 20% पार्ट से 1.18 पर लेनी है। इस टाइप से आपकी एक अच्छे लेवल पर एंट्री हो जाएगी। टारगेट्स की बात करते हैं तो जो क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उनके लिए 1.4 USDT टारगेट रहेगा और शॉर्ट टर्म वालों के लिए 1.5 फर्स्ट टारगेट, 1.7 सेकंड टारगेट, जहां पर आपको 60-40 के रेशो में आउट करना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं केडीए कॉइन को और मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है, BTC में अच्छा मूवमेंट होता है, तो ये कॉइन आपको 8-10x तक का प्रॉफिट देकर चला जाएगा, नहीं कि वापस से ये कॉइन आपको 10, 12 या 15 USDT पर भी ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। ये इसके आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। जिन लोगों ने ऊपर की तरफ बाय किया हुआ है उनको रिकवरी का वेट करना पड़ेगा, 1.8 या 2 USDT या उससे ऊपर बाय किया है तो अच्छी खासी आपको होल्डिंग पीरियड अभी भी झेलना पड़ेगा। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है मार्केट के अंदर, वो किसी भी एरिया पर बाय कर लेते हैं, वो प्रॉफिट अपना जो मेन अमाउंट है वो उलझा देते हैं, कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो ऐसे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, वो प्रीमियम सर्विस स्टार्ट करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं और जो ये लॉस वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करके। तो मेरे द्वारा वहाँ पर आपको जेन्युइन स्ट्रेटेजी फॉलो की बताई जाती है। तो इंस्टा पर DM कर सकते हैं, जो भी बेनिफिट जानना चाहते हैं इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप DM करके बेनिफिट जान सकते हैं। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। थैंक यू।